नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ चार ऐसी बड़ी खबरें डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको अच्छे से पता है, हमारे चैनल के माध्यम से भी हमने बताया। और ये चार जो खबरें अपने आप में इतनी पॉजिटिव है कि मंडे को ना बड़ा एक्शन होना चाहिए तेजी की तरफ। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर बाजार धोखा दे जाए तो फिर इससे बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि फिर तो एक ही चीज रह जाएगी कहने के लिए कि शायद फाइनल रिजल्ट का वेट है मार्केट को। ट्रस्ट मी, मतलब एक साथ इतनी सारी अच्छी चीजें आनी नहीं चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि तेजी रुक जाती है यार। एक अच्छी खबर पे भी 200 पॉइंट भागता है बाजार, चार अच्छी खबर पे भी 200 पॉइंट, और दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन खबरें क्या है वो सुनिए। ये खबरें ऐसी हैं दोस्तों जो भारत से जुड़ी हुई हैं, जमीन से जुड़ी हुई खबरें हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा इंपैक्ट, बड़े लेवल की पॉजिटिव खबर है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर के साथ बात करता हूं, एग्जिट पोल। बड़े लंबे समय से इंतजार था इस दिन का एग्जिट पोल में कि भाई बाजार अभी थोड़ा सहमा हुआ है, एक बार फाइनल लेना चाहता है। एग्जिट पोल में तो क्लियर क्लियर दिख रहा है बीजेपी, और केवल इतना ही नहीं कि अच्छा दिख रहा है, उम्मीदें ये थी कि कांग्रेस इस बार थोड़ा उभर के आएगी, इंडिया गठबंधन थोड़ा ज्यादा सीटें ले पाएगी पहले के मुकाबले, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि बीजेपी ज्यादा तगड़ा खेल रही है। ठीक है जी, तो पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव तो आपको डायरेक्टली इलेक्शन के माध्यम से देखने को मिल रहा है। भैया एग्जिट पोल दमदार आ रहे हैं, आप कहीं भी कुछ भी उठा के देख लो, ज्यादातर क्या कह रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडिया लोकसभा इलेक्शंस का एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए 325 और इंडिया अलायंस 160। इंडिया का लोकसभा इलेक्शन ये तो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो मतलब चीजें पूरी क्लियर कट आपके जो आते हुए दिख रही हैं वो क्लियर कट दिख रही हैं बीजेपी के फेवर में, और ऐसा लग रहा है कि भैया मजा आ गया मामला, बस आप ये समझ लो फिक्स है कि भैया बीजेपी आ रही है। तो पहला पॉजिटिव। दूसरा पॉजिटिव जीडीपी का नंबर कल जो आया, अनुमान 6.7% की ग्रोथ का, 7.8% की ग्रोथ आती है, 110 बेसिस पॉइंट के मार्जिन से बीट आता है। ये ग्रोथ दिखा रहा है भारत की, तो ऑब्वियस है यार कि ये तो मार्केट के लिहाज से सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है। मार्केट की ग्रोथ हो रही है, जीडीपी इतनी तंगड़ी बढ़ रही है तो उससे ज्यादा चाहिए क्या? पूरे FY24 में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ आई, इससे तंगड़ा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है मेरी नजर में, तो बहुत ही शानदार था। तीसरी बड़ी पॉजिटिव भी कल एक आंकड़ा आया फिस्कल डेफिसिट का, जिसे हम कहते हैं वित्तीय घाटा, 5.63% पे फिस्कल डेफिसिट आया भारत का। अनुमान था 5.8% का, अनुमान नहीं था, टारगेट था ये किसका? निर्मला सीतारमण जी का, उससे भी कम आया है, यानी कि एक्सेप्शनल दमदार, बहुत दमदार। अभी रिसेंटली S&P ग्लोबल ने रिपोर्ट निकाली, वो कह रहे हैं 7% से कम वित्तीय घाटा भारत का रहेगा, इसलिए हम अपग्रेड कर रहे हैं। 7 तो बहुत दूर दिख रहा है, हम तो 5.63 पे हैं, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम 5% के नीचे पहुंचेंगे, तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा शानदार था। चौथी बड़ी बात, अमेरिका जो बड़े लंबे समय से कंटिन्यू टूटता जा रहा था, वहां से भी बड़े दमदार संकेत आ रहे हैं। डाउ जोन्स कल 575 पॉइंट भागा है, 575 पॉइंट, लंबे समय बाद तेजी आई है, डे हाई पे बंद हुआ है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग आई है, बड़ी रैली दी अमेरिका ने, तो ये एडिशनल एक चौथा ट्रिगर बन गया भारतीय बाजार के लिए। जाते जाते एक और ट्रिगर, जीएसटी कलेक्शन का डेटा आया आज भारत का, मे का, मे मंथ में 1.73 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, 10% बढ़कर आया साल दर साल। तो मैं ये पांच चीजें हो गई जो मेरे को लगता है मार्केट को ना अपने लिए अपने लिया, देखो अब चाहे नतीजा कुछ भी हो बाजार का ऊपर नीचे का, लेकिन इतना मेरे को दिख गया आने वाले 2 महीने में बाजार नीचे नहीं जाने वाला, ऊपर ही जाने वाला है। अगर कोई गिरावट आती है वो केवल और केवल डर और सेंटिमेंट खराब, मार्केट को खराब या गुमराह करने वाली होगी, लेकिन इवेंचुअली बाजार को ऊपर जाना है। यार आपका डेटा सारा ही पॉजिटिव आ गया है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, फिर आप क्यों गिर रहे हो? फिर तो गिरना ही नहीं बनता, हर कुछ तो पॉजिटिव है। अब जो लोग, मैं ही काउंट कर लेता हूं खुद को, मैं यही कह रहा हूं कि हम लोगों ने सब कुछ तेजी को प्राइस्ड इन कर रखा है, लेकिन ये 5 तो नए फैक्टर आ गए आपके बाजार में। जीडीपी का डेटा नया फैक्टर है तेजी के लिए, फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा नया फैक्टर है तेजी के लिए, एग्जिट पोल के नतीजे नया फैक्टर है तेजी के लिए, तो ये 3-4, अमेरिका का बाजार, ये 3-4 तो नए फैक्टर आ गए ना तेजी के लिए, तो अब हम इस पर तो रिएक्शन देंगे ना। तो मैं सुपर पॉजिटिव हो गया हूं इन ट्रिगर्स के बाद, बाकी जो भी चीजें बनेंगी समझ में आएंगी मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। ऑटो सेल्स नंबर जरूर खराब लगे हैं अनुमान से ज्यादातर कंपनियों के। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो थी,
पांच बड़े ट्रिगर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे तेजी के, और आप सभी को अच्छे से पता है। अब इसके बावजूद अगर तेजी नहीं होगी तो फिर वो मेरे को लगता है छलावा है, बैठे रहो बाजार में, पैसा बनेगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।